पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते। बात ये क्या, काफी लोगों को इससे एतराज होएगा, आपको भी शायद एतराज होए। नहीं नहीं होता, मेरे को बोलिए, मैं बेगैरत हूं। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, पाकिस्तान जब बना, हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी, हम लोग पाकिस्तान नहीं गए। इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा मानना यह था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहां बानी और जाफशानी की है, और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से इस मुल्क को गुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो नहीं गए। अब तीसरी बात यह है कि जो रजाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए। तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना, देखिए हमारा मानना यह है कि भारत के अतराफ में जितने ममालिक हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मगर मुंबई में जो टेररिज्म का एक्ट हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अजमल कसाब ये लोग सब आए, पाकिस्तान से आए। मैं खुद एक निजामाबाद की फैमिली को जानता हूँ, एक शादीशुदा बच्ची थी जिसको 5 या 6 दिन हुए थे शादी होके, वो लोग शादी के बाद मुंबई गए। उस बच्ची के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, वीटी स्टेशन पर गोली लग के मर गई बच्ची। तो ये जरूरी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहां पर स्टेबिलिटी हो और सब अच्छा हो। मगर आपको एक बैड न्यूज सुना रहा हूं मैं, अभी पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसमें एक अंग्रेजी में मुरल बोलते हैं, MURL, वो लगाया गया जिसमें अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया, उसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। तो मैं बीजेपी वाले बोला मुबारक भाई जल्दी चलो, लिखा तमाशा है, बोला है आप तो आप लगा दिए अखंड भारत का। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बड़ी परेशानी होने वाली है कि आपने अपने पार्लियामेंट के अंदर उस नक्शे में सबको मिला लिया। तो अब बताइए आप, पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, बर्मा भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, पूरा अखंड भारत का ख्वाब श्री नरेंद्र मोदी लगा दिए अंदर। आप देखिए, अब आप लोगों को नहीं मालूम क्या, हमने नहीं मालूम उस ममालिक में क्या होने वाला है, मगर हम तो क्लेम कर दी हमारा है बोल के, क्लेम कर दी विद कैपिटल सी एंड यू नो, तो क्लेम तो बहुत करते। देखिए हम तो बोल रहे कि ले लो जाके, आप अफगानिस्तान से शुरू करना चाहिए उनको। जो काम अंकल सैम नहीं करे अंकल मोदी कर देंगे शायद, नहीं मालूम।